कि सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे घर में कोई प्रसन्न नहीं था, लेकिन पापा आप बड़े खुश थे और ये बात मुझे माँ ने बताई था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। वो बेटी कहती है कि मैं बिटिया तो थी, लेकिन हमें बेटों से अधिक आपने प्यार दिया, हमें बेटों से अधिक आपने लाड़ दुलार दिया, मेरी हर जिद पूरी हुई, मैंने जो जो इच्छाएं की सब पूरा हुआ। घर में कभी होली कभी दीपावली आई तो उस समय पर उस त्यौहार पर आपने मुझे नए नए कपड़े खरीदे, मेरी जो जो इच्छा थी आपने सब पूरी की। कहती है हर जिद मेरी पूरी हुई, हर पापा आपने सारी उम्र जो भी कमाया सब हम सब बच्चों के खर्चे में लगा दिया, हम सब की पढ़ाई में लगा दिया, और उससे जो भी बचा उससे हमारी सगाई में लगा दिया, लेकिन आप स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किए, सदैव हम सब की खुशियों का ध्यान रखा। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ।
तुम्हारे बिना मेरा मन एक पल भी कहीं नहीं लगेगा। जब मेरा विवाह था उस विवाह के समय में आप पूरी तैयारियां भी करते थे और कहीं अकेले में पड़े तो छुप छुप के रो भी लिया करते थे, लेकिन क्या अब मेरे बिना आपका मन लगता है? पूछती है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के फिर रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। और हर एक बेटी का अपने पिता से यही प्रश्न है। एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जब एक बेटी अपने मायके में होती है, माता पिता के पास होती है, तो घर वाले कहते हैं कि ये पराया दिन है, इसे पराए घर जाना है। और जब वो ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। बेटी का प्रश्न है, कहा पिताजी ये कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, आप बताओ ना मेरा अपना घर कौन सा है। मैं मायके को अपना घर कहूँ या ससुराल को अपना घर कहूँ, क्यों? क्योंकि आधा जीवन मेरा मायके में बीता, आधा जीवन ससुराल में बीता, मेरा अपना घर कौन सा है? प्रश्न करती है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। लेकिन क्या इस तरह आपका प्रेम भी है? प्रश्न करती है। क्या क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ न बाबूजी क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के, कि सबके पुत्री के बिचवा, कि सबके पुत्री के बिचवा ससुरे में रही हाथ तो चांद बन के। Thank you.
मैया को माँ शिक्षा प्रदान करती है कि ससुराल में जाकर के किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है। ठीक उसी प्रकार से आज की हर एक माँ को अपनी बिटिया को भी यही शिक्षा देना चाहिए। कैसे? कि सासु के निस दिन चरण दबई हा, बिटिया सबसे पाछे खई हा, वो सासु के निस दिन चरण दबई हा, बिटिया सबसे पाछे खई हा, ससुर के बच्चे हो तूने बिठा करके पढ़ाना। कैसे? कि सांझ को तनिका समय जपई हा, हाँ।
सिखाते हैं कि कोई ऐसा कार्य न करना जिससे हमारा सिर झुक जाए। तुम्हारी प्रशंसा अगर हम सुनेंगे तो हमारा हृदय प्रसन्नता से और भी गदगद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कारण अगर किसी को थोड़ा भी कष्ट पहुंचा तो ये माँ, ये तुम्हारा पिता जिंदा नहीं रह पाएंगे। और हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से आज समाज में हर एक माता अपनी बिटिया को ये शिक्षा देती है कि ससुराल में जाने के पश्चात परिवार को लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग हो जाओ, किसी की सेवा न करना, अपने सास ससुर की सेवा न करना, इससे हमें सीख मिलनी चाहिए। बिल्कुल कदापि नहीं ऐसा करना चाहिए। हर एक माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए। क्या कहती है? सुनल जाए तो हर पढ़ाए,
हाथियों को देख करके सभी प्रसन्न हैं, भगवान रामचंद्र को देख करके सभी आनंदित हैं, महाराज जनक माँ सुनैना के भाग्य की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी कहते हैं क्या धनी रे नगरिया थे ओ मणल भगिया करते हैं। महाराज जनक की लाडली सियाजू की विदाई जब महाराज जनक और माँ सुनैना करेंगे उस समय क्या स्थिति होगी, कहते हैं आँखी के पोतरिया जे भेजी है नगरिया धरती
भुलाइल बड़ा तोता हो, अरे खोता छोड़ के जाए के पड़ी, सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, ये खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ जाए के पड़ी, सगरी
लक्ष्मण ज्योत किला